पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण वसूली के नाम पर फैक्ट्री व मकान सीज करने से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह करने की धमकी देने वाले खेमचंद चौरोटिया ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान चौरोटिया ने उपखंड अधिकारी को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक पत्र सौंपा। SDM सिंह को दिए गए पत्र में चौरोटिया ने अपनी समस्याएं विस्तार से बताई और बैंक द्वारा सीज की गई फैक्ट्री तथा मकान को सीज मुक्ति करवाने की गुहार लगाई। पत्र में चौरोटिया ने बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान RBI की ओर से बैंक के ऋणियों को कुछ रियायतें दी गई थी, लेकिन बैंक की ओर से उन्हें रियायतों से वंचित रखा गया, जिसके कारण कोरोना काल में उसका व्यापार चौपट होकर उसका खाता NPM हो गया। बावजूद उसके बैंक ने उसका मकान तथा फैक्ट्री को सीज कर दिया और संपत्ति नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। पत्र में चौरोटिया ने नीलामी प्रक्रिया को रुकवाने तथा मकान तथा फैक्ट्री को सीज मुक्ति करवाने की गुहार की। चौरोटिया ने बैंक प्रबंधन पर रिश्वत नहीं देने पर तंग परेशान करने का भी आरोप लगाया। SDM साहब को जो है एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके अंदर बैंक वालों ने जो मेरे साथ में ज्यादती की थी, रिश्वत मांगी थी और जो है कोरोना के टाइम में जो गाइडलाइन थी जो है उसकी बैंक मैनेजर वगैरह ने जो पालना नहीं की थी, वो गाइडलाइन ये थी कि जो है वित्त मंत्री RBI के आदेश थे कि 25% जो जिनका लोन है उसके अनुपात में 25% और लोन दिया जाए, रिस्ट्रक्चर किया जाए, मोरेटोरियम दिया जाए, लेकिन इन्होंने किसी तरह का मुझे लाभ नहीं दिया क्योंकि उन्होंने उस समय 50,000 रुपये जो रिश्वत में मांगे थे नहीं देने के कारण से उस स्कीम का लाभ नहीं दिया, उसके कारण से खाता NPA हो गया और ख़राब हो गया। और अभी 22 फरवरी को मेरे जो है बैंक जो है फैक्ट्री और मकान दोनों को सीज कर दिया और सीज करने से पहले मुझे कोई तरह का नोटिस नहीं दिया गया और न ही मेरा सामान निकालने दिया था। ये सारी बातें मैंने SDM साहब से ऐसे कही है। SDM साहब ने पूरी जांच करवा करके और जो है निष्पक्ष जांच करवाने का मुझे आश्वासन दिया।